अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं। हम मैप की स्टडी किस तरह कर सकते हैं। डायरेक्शन नीचे देखें। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज द कॉर्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। वी आल्सो यूज द इंटर कॉर्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। बच्चों अब हम मीनिंग की तरफ आते हैं। जब हम मैप को देखते हैं तो हम कॉर्डिनल डायरेक्शन यूज़ करते हैं। ये वही डायरेक्शन है जिनके बारे में मैं आपको शुरू में बताया था, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम इंटर कॉर्डिनल डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि इन डायरेक्शन के दरमियान में होती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट, और इसी तरह साउथ और ईस्ट के दरमियान में साउथ ईस्ट, और इसी तरह साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट हैं। चलो बच्चों अब हम ग्रिड की तरफ आते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ें। ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन द मैप। दे आर इमेजिनरी लाइन्स सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ सरफेस। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कराची इज लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट। दिस मीन्स इट इज 25 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 67 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस। बच्चों मैं आपको ग्रिड्स की मीनिंग बताती हूँ। लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड की सारी लाइंस मैप पर एक ग्रिड्स बनाती हैं। ये लाइंस ख्याली लाइन हैं, इसलिए बच्चों ये हमें ज़मीन पर नज़र नहीं आती और सिर्फ मैप पर मौजूद होती हैं। जब भी हमें किसी भी जगह को मैप पर ढूंढना होता है तो हम इसका ग्रिड रेफरेंस ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा के कराची 25 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट पर वाक़ है। इसका मतलब ये है कि कराची इक्वेटर की लाइन से 25 डिग्री नॉर्थ पर वाक़ है और प्राइम मेरिडियन की लाइन से 67 डिग्री ईस्ट पर वाक़ है। बच्चों अब हम की तरफ आते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ें। Usually each map also has a key. It tells us what the symbol and colors used on the map means. Colors, symbol and patterns help us to find things more easily on a map. We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. बच्चों अब मैं की तरफ आती हूँ। आमतौर पर हर मैप के साथ एक की भी आती है। वो हमें मैप पर यूज़ होने वाले कलर और सिंबल यानी निशान के बारे में बताती है। कलर और सिंबल और पैटर्न हमें जगह ढूँढने में काफ़ी आसानी देते हैं। जब हम किसी जगह का साइज़ मालूम करना होता है तो हम स्केल यूज़ करते हैं। बच्चों अब आप पेज पलटें और पेज नंबर 5 पर आएं। बच्चों आपने पेज नंबर 5 तो निकाल लिया होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप मे रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ इफ़ द मैप हैज़ टू शो अ वेरी लार्ज एरिया। 1 सेंटीमीटर मे रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर्स। मैप्स आल्सो हैव अ कंपस रोज और एन एरो मार्क्ड विद नॉर्थ एट द टॉप। द कंपस रोज शोज द जर्नल डायरेक्शंस एंड द एरो
tells us where north is. बच्चों अब मैं आपको इस पैराग्राफ की मीनिंग बता रही हूँ. जैसा कि मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था, इसकी एक मिसाल देख लेते हैं. आप मैप में स्केल भी देख रहे होंगे. जैसा कि दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर मैप पर अर्थ का 1 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन अगर इसी मैप पर बहुत बड़ा एरिया दिखाना हो तो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है. मैप में कंपस रोज या नॉर्थ की तरफ एक एरो लगा हो सकता है. कंपस रोज हमें आम डायरेक्शन बताता है और एरो हमें नॉर्थ का बताता है. बच्चों ये अब हम मैप की तरफ आते हैं. ये आपको कीज बताई हुई हैं, अब मैं आपको सर्कल करूँगी, आप ज़रा देखिए उनको. कीज में सबसे पहले है रोड, रोड येलो कलर का है. रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में आपने देखा होगा छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए जैसे पटरियाँ बनाई हों. अब है रिवर, रिवर में देखे बल्क खाती हुई थोड़ी लाइन लगी हुई है. अब है बिल्डिंग, ठीक है. फिर है मॉस्क, मस्जिद बनी हुई है. वेल, वेल पर छोटा सा डॉट लगा हुआ. अब है ब्रिज, ब्रिज में डबल लाइन लगी हुई है. अब आप मैप की तरफ आएँ, आपको नज़र आएगा कि रेलवे लाइन किस साइड पर है. सबसे पहले देखें रेलवे लाइन, ठीक है, ये रेलवे लाइन है. अब है मॉस्क, मॉस्क कहाँ है ज़रा चेक करें. ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, मैं सर्कल में आपको बताती जाऊँगी, आप देखें मॉस्क कहाँ कहाँ पर है, ठीक है. अब है बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में देखें बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर है. ये देखें सर्कल में, ये बिल्डिंग है और ये भी बिल्डिंग है और इसी तरह ये भी बिल्डिंग है, ठीक है. अब है ब्रिज, अब ब्रिज देखें, ये देखें ये ब्रिज है. अब मैं आपको कंपास के बारे में बताया था, डायरेक्शन क्या कौन बताएगा. ये देखें कंपास बताया हुआ, इसके अंदर डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में ये चीज़ें वाक़ हैं, ठीक है. अब है ये स्केल, मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था कि कौन सी जगह कितने किलोमीटर और सेंटीमीटर पर वाक़ है. बच्चों अब हम आखिरी पैराग्राफ की तरफ आते हैं. अब मैं आपको सिखाऊंगी एटलस की, एटलस का इस्तेमाल, यूजिंग एन एटलस. आ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक. एन इंडेक्स is a list of the names of countries, cities, mountains, rivers, volcanoes, etc. in alphabetic orders. Next to the name, the index gives the coordinates of the latitude and longitude and the page number of the map where is the feature could be found. बच्चों अब मैं इस पैराग्राफ की मीनिंग आपको बताती हूँ. मैप की बुक को हम एटलस कहते हैं. हर एटलस के पीछे एक इंडेक्स होती है जिसमें कंट्री के नाम, शहर, पहाड़, आतिशफिशां वगैरह के बारे में एक लिस्ट होती है. अल्फाबेटिक के ऑर्डर्स में इंडेक्स में हर नाम के साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स यानी इंफॉर्मेशन होती है. इसके साथ उस जगह का मैप भी, पेज नंबर भी शामिल होता है जहाँ पर वो ढूंढी जा सके. बच्चों आप मेरे साथ डिड यू नो की तरफ आएं. द मैग्नेटिक कंपास वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन द चाइनीज हान डायनेस्टी व्हिच बिगन अराउंड 206 BCE. द फर्स्ट यूजेज ऑफ अ कंपास रिकॉर्डेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड अकर्ड अराउंड 1190. बच्चों क्या आपको पता है सबसे पहला कंपास चाइनीज ने बनाया था. इस्लामी दुनिया में सबसे पहली दफ़ा कंपास सन 1190 में इस्तेमाल हुआ. बच्चों अब नीचे आए क्वेश्चन आंसर की तरफ. ये क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, ये मैंने बहुत तफसील से आपको इनको बता भी दिए और वर्कशीट भी प्रोवाइड कर दिए ताकि आप आसानी के साथ इनको कर सकें. लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सोच समझ के इसको करें, ठीक है. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि एटलस की मदद से होगा. शायद आपके घर में एटलस हो, अगर है तो आप कर लीजिएगा,
या फिर आप इंटरनेट से सर्च कर लें। अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैं क्लास में जब आपके साथ होंगी तो आपको ये सारा समझा भी दूंगी और करवा भी दूंगी। अब अगले पेज पर आए आप लोग, अब पेज नंबर 6 पर आप आ जाएं। इसमें क्वेश्चन ए है, इफ़ यू लिव्ड इन मुल्तान, अगर आप मुल्तान में रहते हैं, विच इज़ फेयरली सेंट्रल टाउन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप मुल्तान में रहते हैं जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान में है, शो वेयर द फॉलोइंग सिटीज़ आर ऑन द आउटलाइन मैप, तो आपको ये बताना होगा नीचे जो सिटीज़ दी हैं वो मैप के किस हिस्से में वाक़िया हैं। अब नंबर 1 पर देखें, कराची इज़ टू द साउथ, कराची साउथ में है, नियर द सी, जो कि सी के करीब है। अब जैसे आप देखें कंपस, कंपस में देखें कि साउथ किस साइड पर है, यह है साउथ। अब नीचे की तरफ आएँ देखें तो साउथ नीचे की जानिब है, तो इसका मतलब ये सी है, समंदर है, तो समंदर के बिल्कुल साथ कराची है, तो आप इधर सर्कल बना दें और लिख दें। चलें बच्चों 2 पॉइंट की तरफ आएँ, कोयटा इज़ टू द वेस्ट, कोयटा वेस्ट में है। अब कंपस की तरफ आएँ, वेस्ट सर्कल बना दिया। अब ये है मुल्तान के वेस्ट उल्टे हाथ की तरफ, अब आप देखें यहाँ पे सर्कल बनाया, यहाँ पे है कोयटा। अब पॉइंट 3 की तरफ आएँ, लाहौर इज़ टू द ईस्ट, नियर द बॉर्डर विद इंडिया, लाहौर ईस्ट की जानेब है, कंपस की तरफ आएँ। अब देखें ये ईस्ट की जानेब है, इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। अब देखें मुल्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर, अब जब सर्कल बनाया। पॉइंट नंबर 4, पिशावर इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, अब आप नॉर्थ के नॉर्थ वेस्ट की जानेब आएँ, या एरो लगा रही हूँ, ये है नॉर्थ वेस्ट। अब ये मुल्तान के इस तरफ बिल्कुल पिशावर वाक़िया है, यानी नॉर्थ वेस्ट की जानेब। पॉइंट 5 में आएँ, इस्लामाबाद इज़ टू द नॉर्थ, इस्लामाबाद मुल्तान के नॉर्थ में वाक़िया है। अब देखें नॉर्थ की तरफ आएँ, बिल्कुल लाइन लगाएँ और मुल्तान के बिल्कुल नॉर्थ में चले जाएं, इस्लामाबाद नॉर्थ में वाक़िया है, ये एरो लगा हुआ है, आप नोट कर लें। बच्चों अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अब नंबर 1 पर आएँ, पैरेलल्स ऑफ डैश रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट राउंड द वर्ल्ड, बच्चों अब इसको फिल करते हैं, किसके ईस्ट वेस्ट पैरेलल हम जाते हैं, चले बताएं आप, ये मैंने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रेड में, लैटिट्यूड। बच्चों अब दूसरी ब्लैंक्स की तरफ आएं, द 0° मेरिडियन पास थ्रू अ प्लेस कॉल डैश इन लंदन, बच्चों आप ज़रा बताएं 0° मेरिडियन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, किस जगह के करीब से गुजरता है लंदन में, चलें आप देखें सोचें, मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया था ग्रीनविच के करीब प्राइम मेरिडियन गुजरता है। बच्चों अब 3 ब्लैंक्स की तरफ आएँ, द डैश ऑन अ मैप शो अस डिस्टेंस एंड साइज, बताएं मैप में मैप क्या शो करता है डिस्टेंस और साइज में, इसमें ज़रा बताएं आप क्या, स्केल के ज़रिए हम शो करते हैं डिस्टेंस और साइज का। चलो बच्चों अब हम 4 ब्लैंक की तरफ आते हैं, द डैश ऑन अ मैप टेल अस व्हाट सिंबल एंड कलर्स मींस, अब देखें ये मैप हमें क्या बताता है सिंबल और कलर के बारे में, कौन सी चीज़ बताती है हमें, देखें आप की, ठीक है। चले अब हम 5 ब्लैंक की तरफ आते हैं, द डैश मेरिडियन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द 0° मेरिडियन, कौन सी मेरिडियन 0° मेरिडियन यानी प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ज़रा देखें आइडियल, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है आइडियल, आइडियल की मीनिंग, आइडियल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेट लाइन, बच्चों इसकी जो फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरी हो गई हैं।